केंद्र सरकार लगातार पीएफआई पर नजर बनाए हुए थे और इन आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर हालांकि सामने आ रही हैं। अभी आपने राम कदम को सुना, इस बीच आपको बता दें पीएफआई पर बैन को लेकर गिरिराज सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया। गिरिराज सिंह ने लिखा बाय बाय पीएफआई, और जिस तरीके से टेरर लिंक के सबूत हाथ लगे हैं उसके तहत केंद्र की तरफ से लिया गया ये बड़ा एक्शन। अलग अलग राज्यों में जारी कार्रवाई के तहत भी आपको बता दें किस तरीके से युवाओं को अपने साथ जोड़ने की यहाँ पर कोशिश की गई। अलग अलग राज्य जहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में पीएफआई की जब पड़ताल की गई, संदिग्ध लोगों के घर और गांव जाकर उनसे ना सिर्फ बातचीत की गई लेकिन हिंसा के दौरान किस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ने की ये कोशिश थी, कैसे पूरा कनेक्शन बनाया गया, उसके तहत भी बड़ी कार्रवाई की गई है। और अलग अलग राज्यों में क्या ये पूरा संगठन एजेंडे के तहत काम कर रहा था, मध्य प्रदेश में कैसे सोशल ट्रेनिंग दी जा रही थी सिमी के बैन के बाद। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं, बिजनेस प्लान कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सोशल ट्रेनिंग को लेकर भी तमाम खबरें आ रही थी और कैसे इसको लेकर युवाओं के बीच में प्रचार प्रसार हो रहा था, उसी के तहत कई लोग इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में रडार में रहे हैं। बिहार में हथियारों की ट्रेनिंग को लेकर टेरर फंडिंग में कैसे कैंप लगाए जा रहे थे, नेपाल बॉर्डर का जिक्र करते हुए कैसे पूरे मामले को लेकर बिहार में कार्रवाई की गई, ये भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। और इसके अलावा राजस्थान में दहशत का माहौल बनाने की कैसे कोशिश की गई थी और भारत विरोधी गतिविधियों में कौन कौन शामिल रहे हैं उसके तहत भी बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश खास तौर पर हमने आपको बताया, हमारे संवाददाता उमेश पाठक हमारे साथ बने हुए हैं, धर्म के नाम पर कैसे यहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई और उत्तर प्रदेश में कैसे ये कार्रवाई हुई है, किस एजेंडे के तहत यहां पर काम किया जा रहा था, ये बड़ा सवाल बना हुआ था सुरक्षा एजेंसीज के सामने उमेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही कई अलग अलग ऐसे मुद्दे सामने आए थे जिसमें लोगों को ना सिर्फ भड़काने का काम किया गया, धर्म के नाम पर उकसाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार गिरफ्तारियां हुई और उन गिरफ्तारियों के बाद जो तमाम सबूत हाथ लगे हैं उसी के तहत अब इन तमाम संगठनों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जहां गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके सहयोग साथ जुड़े सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए लगा दिया है बैन। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं, बिजनेस प्लान कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।